hello champs how are you all today i am showing you about the exercise of this story best friend yesterday we did that in the video there is link also you can see there and in my playlist all the chapters are there please visit there okay uh, next the question answer is who were the four friends tell me who were the four friends yes the shapes the four friends were triangle circle and

हु हेल्प दैम टू एंड देयर फाइट किसने हेल्प की उनकी फ़ाइट को ख़त्म करने के लिए येस आई स्टार हेल्प दैम टू एंड देयर फाइट वेरी गुड नेक्स्ट इज़ वॉट लेसन डिड द फ्रेंड्स लर्न इन द एंड ओके वो फोर जो फ्रेंड्स थे उन्होंने क्या लेसन मतलब क्या ऐसा उनको पता चला कि उन्होंने फ़ाइटिंग या उन्होंने लास्ट में क्या सीखा पूरी स्टोरी में आपने देखा कि वो लोग लड़ रहे थे फिर किसी से हेल्प ली स्टार से फिर लर्न लर्न करने के बाद उन्होंने सब कुछ देखने के बाद लास्ट में क्या सीखा है स्टोरी में दे लर्न इन द इन दैट टूगेदर दे ऑल कैन क्रिएट वंडर्स मीन्स पहले तो उन्होंने अपनी गलती रियलाइज़ की जो मिस्टेक की थी कि लड़ाई नहीं करनी चाहिए और फिर एक दूसरे से प्रॉमिस किया कि कभी भी अब नहीं लड़ेंगे और फिर उन्होंने क्या सोचा कि हम साथ में तो बहुत सारे वंडर्स क्रिएट कर सकते हैं बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बना सकते हैं कर सकते हैं हेल्प कर सकते हैं एक दूसरे की तो क्यों लड़ना है ना तो ये आपने भी सीखा ना कि अपनी लाइफ में अपने अच्छे दोस्तों को कभी नहीं खोना चाहिए उनको हमेशा हेल्प करना चाहिए और कभी उनकी हेल्प पड़े तो आप हमेशा उनकी हेल्प करो और उनसे हेल्प ले भी सकते हो कभी प्रॉब्लम हो तो आपने भी सीखा और इन शेप्स ने भी सीखा कि नोबडी बडी इज़ टेक क्रिएट वंडर अलोन

स्क्वायर की फोर साइड्स होती हैं और वो इक्वल भी होती हैं तो ये सेंटेंस रॉन्ग हो गया तो इसलिए हमने क्रॉस कर दिया है या फॉल्स भी आप आप फॉल्स लिखेंगे यहाँ पर मैंने क्रॉस बनाया है द ट्राइंगल हैज टू साइड्स क्या ट्राइंगल की टू साइड होती है काउंट वन टू एंड थ्री देर आर थ्री साइड्स इट इज़ ऑल्सो रॉन्ग ओके इट इज़ फॉल्स द फ्रेंड्स कुड डिसाइड हु वॉज द बेस्ट अमंग देम क्या फ्रेंड्स ने डिसाइड किया कि कौन बेस्ट है नहीं नहीं डिसाइड किया ना कोई भी बेस्ट नहीं है सब साथ में मिलकर बेस्ट है यानी वन इज़ ट्रू एंड ऑल थ्री आर फॉल्स ओके नाउ नेक्स्ट वन इज हु इज योर फ्रेंड वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू वैन योर फ्रेंड्स हेल्प यू हेल्प्स यू ओके हु इज़ योर फ्रेंड राइट द नेम ऑफ योर फ्रेंड हियर ओके एंड देन वॉट आर द थिंग्स यू कैन डू वैन योर फ्रेंड हेल्प्स यू आपकी फ्रेंड जब हेल्प करते तो आप क्या क्या चीज़ें करते हो आप खेलते हो और एक दूसरे की हेल्प भी करते हो स्कूल में बहुत सारी चीज़ें भी शेयर करते हो मिलकर एक अच्छी सी ड्राइंग भी बना देते हो और ग्रुप स्टडी भी करते हो साथ में और भी कई एक्टिविटीज़ करते होगे तो एक आंसर मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है आप उसको भी देख सकते हो अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो ओके एंड नेक्स्ट इज़ लुक अराउंड यू टॉक अबाउट द शेप्स वॉड दे वॉट यू सी टॉक अबाउट द शेप एंड वॉट यू सी देर तो आप अपने चारों तरफ देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ें भी दिखेंगी अराउंड मी देर आर सो मैनी शेप्स लाइक सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल स्टार ट्रिपीजियम ओवल स्फियर कई सारी ऐसी चीज़ें होती हैं ना आपको बॉल भी दिखती है आपकी क्लास रूम में ट्रॉय कॉर्नर में और घर पर भी कई सारी चीज़ें होती हैं जैसे आपको आपका मिरर दिखता होगा रेक्टेंगल शेप में आपके कुछ टॉयज होंगे स्टार शेप में या फिर क्वेश्चन कवर क्वेश्चन होंगे टॉय शेप में है ना तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हमें दिखती हैं अपने अराउंड तो आप ऐसे ही कई सारी चीज़ों के नाम भी लिख सकते हो शेप के साथ ओके अब नेक्स्ट एक्टिविटी है यहाँ पर डिवाइड इनटू ग्रुप्स ऑफ फाइव ये क्लास एक्टिविटी होगी ईच ऑफ़ यू विल बी वन कैरेक्टर इन द स्टोरी अब आप पांच पांच के ग्रुप में डिवाइड हो जाइए और जो और ये जो फाइव शेप्स थे सर्कल स्क्वायर ट्राइंगल रेक्टेंगल एंड स्टार तो ये आपकी एक स्टोरी होगी और आप इसमें ड्रामा क्रिएट करोगे कि जो जो आपके डायलॉग्स थे इस स्टोरी में वो आप लोग अपने अकॉर्डिंग बोलोगे और एक वीडियो भी बना सकते हो है ना और इसको एंजॉय करिए और रीडिंग करते जाइए तो ये रीडिंग के लिए एक फ़नी एक्सरसाइज है फिर नेक्स्ट है ओके नाउ रीड द फॉलोइंग लाइन्स ए अपिज़न एंड एन आंट बिकम फ्रेंड्स तो ये दोनों क्या हैं फ्रेंड्स हैं तो यहाँ पर ए और एन आपने देखा मैंने अंडरलाइन भी किया हुआ है इनको क्या कहते हैं आर्टिकल ओके आर्टिकल पर मेरा एक पूरा वीडियो पड़ा हुआ है अगर आप लोग चाहते हो तो उसको भी प्लेलिस्ट पर देख सकते हो ओके okay, तो अभी मैं बताती हूँ ए एंड एन क्या है तो ये हम कैसे और कहाँ यूज़ करते हैं ए कॉन्सोनेट साउंड और एन वॉवल साउंड्स पर तो वॉवल साउंड आपको पता है ए ई आई ओ यू ये वॉवल साउंड है कॉन्सोनेंट जो बाकी बचे वो कॉन्सनेंट कहलाते हैं ठीक है तो अब हम यहाँ पर कुछ सेंटेंस दिए गए हैं उसको यूज़ करेंगे तो ये पहला वाला जो एग्जाम्पल दिया है फुलिंदा ब्लैंक्स का ये तीनों आपके कैसे यूज़ हो रहे हैं आप ये देखिएगा लगना तो सब में ए है तो कैसे यूज़ हो रहा है अ डॉग इज़ पार्किंग एट द पोस्टमैन देखिए यहाँ पर आपने ए यूज़ किया ए डॉग क्यों क्योंकि डी इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड ठीक है नेक्स्ट माई मदर गिफ्ट चपातीस टू द का सॉरी आकाओ आकाओ वाई आकाओ एन क्यों यूज़ किया क्योंकि यहाँ पर सी है सी इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड नॉट वाउंड नेक्स्ट इज इन समर्स डैश स्पैरो बिल्ड इट्स नेस्ट ऑन द मैंगो ट्री डियर आवर हाउस गर्मियों के मौसम में इस्पैरो ने अपना एक नेस्ट बनाया घोसला बनाया मैंगो ट्री जो कि हमारे घर के पास था तो यहाँ पर भी हम ए यूज़ करेंगे सेम कंडीशन एस इज़ नॉट द वॉवल साउंड इट इज़ अ कॉन्सोनेंट साउंड ओके दैट्स वाई तो आपने ए का यूज़ देखा अब नेक्स्ट एक्सरसाइज है आपकी सेम उसमें हम एन का यूज़ देखेंगे देखिए यहाँ पर एन का यूज़ करेंगे और हम फाइंड आउट करेंगे हमने एन क्यों यूज़ किया यहाँ पर आई सॉ एन ईगल यस्टरडे ईगल ईगल कैसा साउंड है ई ई मीन्स ईगल यानी वॉवल साउंड तो हमने क्या यूज़ किया एन नेक्स्ट माया बॉट अम्ब्रेला फॉर द मॉनसून अम्ब्रेला कैसा साउंड आ रहा है अम यानी वॉवल साउंड यू का कैसा साउंड है अम um. अब यू में एक और कंडीशन होती है यू में अगर यू का साउंड आ रहा है ठीक है तो वहाँ पर हम एन नहीं लगाते ए लगाते हैं ठीक है कैसा साउंड आ रहा है यू यू का साउंड तो हम वहाँ पर ए लगाएंगे यहाँ पर कैसा साउंड आ रहा है अ अम्बरेला बोलते हो आप ना कि युम्बरेला ना तो जब अम्बरेला मीन्स कैसा साउंड है वो साउंड तो आप साउंड पर ध्यान दोगे ना कि लेटर पर तो जितने भी लेटर्स आएंगे यू के साथ थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होता है सबको तो वहाँ पर हम अम्बरेला करेंगे और जब मेरा वीडियो पड़ा हुआ है उसमें आप देखेंगे कि यू को हम कैसे कैसे यूज़ करते हैं और अदर वर्ड्स में भी अदर्स लेटर जो कि कॉन्सोनेंट है बट वहाँ पर भी हम एन यूज़ कर सकते हैं और कई जगह हम ए यूज़ करते हैं ठीक है तो अभी आपके लिए इतना बहुत है अम्ब्रेला के आगे हम एन लगाएंगे क्योंकि ये भी एक वॉवल साउंड है नेक्स्ट आइसक्रीम क्या साउंड आया आ आइसक्रीम, आइसक्रीम के आगे भी हम एन लगाएंगे ठीक है नेक्स्ट अब आप मुझे बताएंगे फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग ए और एन अब ये मिक्स करके दिया है कहाँ पर हमें ए यूज़ करना है कहाँ पर एन अब आप बताइए यहाँ पर क्या होगा ब्राउन डैश ब्राउन लेड डैश एग ब्राउन कैसा साउंड है तो हम ए लगाएंगे एग कैसा साउंड है वॉवल साउंड आ रहा है तो हम एन लगाएंगे ठीक है सेम हीयर ईगल ईगल सेट ऑन डैश बिल्डिंग ईगल कैसा साउंड है वॉवल तो हम क्या यूज़ करेंगे एन एंड बिल्डिंग कैसा साउंड है कॉन्सोनेंट तो हम क्या यूज़ करेंगे ए नेक्स्ट मैरी एट एप्रीकॉट एप्रीकॉट एक फ्रूट होता है तो एप्रीकॉट में कैसा साउंड है तो हम यूज़ करेंगे एन एंड चीकू चीकू इज़ ऑल्सो फ्रूट वहाँ पर सी साउंड है तो ए एंड ऑरेंज ऑरेंज में कैसा साउंड है तो वहाँ पर भी हम एन यूज़ करेंगे ओके वेरी गुड डू इट एंड ट्राई इट नेक्स्ट इज़ पेस्ट द पिक्चर ऑफ़ योर फ्रेंड आपके फ्रेंड की पिक्चर आपको यहाँ लगानी है जो भी आपका बेस्ट फ्रेंड है अब उसके बारे में आपको लिखना है अब आपका जो भी बेस्ट फ्रेंड है या फ्रेंड है उसका नाम लिखेंगे वो बॉय है या गर्ल उसको टिक करेंगे या फिर उसको सेंटेंस में ऐसे लिखोगे ही इज़ अ बॉय और शी इज़ अ गर्ल ओके अब ही और शी क्यों यूज़ कर रहे हैं हम क्योंकि हम बार बार उसका नाम तो नहीं लिखेंगे है न? ना माई फ्रेंड लिखेंगे तो हम उसको छोटा करने के लिए ही और शी यूज़ करते हैं जिसको नाउन और प्रोनाउन कहते हैं यानी कि माय फ्रेंड का जो नेम होगा वो नाउन कहलाएगा और ही और शी प्रोनाउन कहलाएगा जो हम उसके बिहाफ पे यूज़ करेंगे ठीक है प्रोनाउन को उसका नाउन का हेल्पर कह सकते हो आप ठीक है ही शी इज कितने साल का है वो आप लिखोगे कितने ईयर ओल्ड है वो हिज फेवरेट कलर उसका जो फेवरेट कलर होगा वो लिख सकते हो आप उससे पूछ भी सकते हो कि आपका फेवरेट कलर क्या है ही लाइक्स टू प्ले क्या खेलना उसको पसंद है कौन सा गेम उसको अच्छा लगता है ही वॉन्ट्स टू बिकम वो फ्यूचर में क्या बनना चाहता है ठीक है तो ये सब एंड आई लव माई फ्रेंड तो ये सारी चीज़ें आपको खुद फिल करनी पड़ेगी क्योंकि जो जो उसको पसंद है आप वो लिखोगे यूज टू स्पेस गिव एन बिलो टू ड्रॉ द फोर फ्रेंड यू मेट इन चैप्टर थ्री चैप्टर थ्री में आप किस किस फ्रेंड से मिले हो उनको ड्रॉ करना यानी कि आपको वो शेप्स ड्रॉ करने ओके okay? अब नेक्स्ट है आपका ड्रॉ पिक्चर यूजिंग द फोर फ्रेंड्स मैंशन इन चैप्टर थ्री यू कैन यूज़ द पिक्चर गिवन बिलो फॉर आइडियाज़ तो जी आ, ये आपके लिए आइडिया के लिए एक दिया हुआ है कि देखिए अलग अलग शेप को यूज़ करके इन्होंने एक पिक्चर बनाई जैसे ट्रा एंगल रेक्टांगल स्क्वायर की विंडो सर्कल का ये सर्कल का सर्कल आ, सन और ये ट्री सर्कल में बनाएँ ह्यूमन बींग्स भी बच्चे बच्चे भी बनाए हैं देखिए डिफरेंट शेप्स को यूज़ करके तो ऐसे ही आप भी कोई भी अदर भी बना सकते हो और इससे हेल्प भी ले सकते हो ठीक है तो यहाँ पर एक आपको ड्राइंग बनानी है अब फन विथ वर्ड्स ये हमारे पास एक पोएम है ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी